ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नागौर के अंदर जो पंचायत राज का चुनाव हुआ और जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने कल मिलके खींवसर सहित कई जगहों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को हराने का प्रयास किया, आरएलपी के लोगों के कंधे पे बंदूक रख के आरएलपी को मारने का प्रयास किया, इसी तरह बीटीपी को डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर दोनों बड़ी पार्टियों ने मिलकर मारने की कोशिश की। आज कल हमने एकजुटता दिखाई, 9 आरएलपी के जिला परिषद के मेंबर नागौर के अंदर जीते और हमारे कैंडिडेट भाई धर्मेंद्र चुनाव लड़े, 9 वोट हमने हमारे लिए। लेकिन आज उप प्रमुख का जो चुनाव है उसके अंदर हमने सबने मिलकर ये निर्णय लिया कि दोनों पार्टियों को सबक सिखाना है और चूंकि मशीन के अंदर जब वहां है कांग्रेस और बीजेपी दो ही चुनाव लड़ रहे हैं, अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता तो उसको भी समर्थन करते, हमारी उप प्रमुख का चुनाव लड़ने की इच्छा भी नहीं थी। और नागौर के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 9 जिला परिषद के मेंबर चुनका है, हम सब इस उप जिला प्रमुख के चुनाव के अंदर कांग्रेस और भाजपा दोनों हमारे लिए एक जैसी है, दोनों हमारी दुश्मन है और हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं, ये हमने निर्णय लिया। और आगे भी आने वाले चुनाव के अंदर दोनों पार्टियों का मुकाबला करके और मिशन 23 पूरा करेंगे, दोनों को घर बिठा के तीसरी ताकत राजस्थान के अंदर खड़ी करेंगे। कल किसान आंदोलन चल रहा है, अब क्या रणनीति रहेगी? किसान आंदोलन के लिए कल कोटपुतली के अंदर बड़ी सभा रखने के बाद कोटपुतली से ऐलान होगा, दिल्ली कूच करेंगे और मैं प्रधानमंत्री जी से भी ट्वीट के माध्यम से गृह मंत्री जी को भी मैसेज हमने करवाया है कि आप किसानों की सुने, अंधाधुंध सड़कों पे कई किसानों की ठंड से मौत भी हो गई, वहां पे हालात भयावह है। समय रहते अगर आंदोलन को नहीं संभालो तो आंदोलन पूरे देश के अंदर फैलेगा। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसानों के सम्मान के अंदर अगर एनडीए छोड़ना पड़ा तो एनडीए भी छोड़ दूंगा और आवश्यकता पड़ी तो एमपी का पद भी किसान कौम के लिए छोड़ने को मैं तैयार हूं। मैं किसानों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक मेरा संघ जारी रहेगा। कल हम कोटपुतली से आगे की लड़ाई का आह्वान करेंगे, रणनीति बनाएंगे कि आगे हमें किस तरह लड़ाई लड़नी। हमें कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेकना, हम चाहते हैं कि किसान की बात सुने और इन बिलों के अंदर या तो बिल वापिस ले और या बिलों के अंदर जहां किसानों का विरोध है उन जो इसके अंदर इन्होंने अलग अलग रखे हैं जैसे मंडियों का मामला है या एसडीएम तय करेगा, कोर्ट में नहीं जा सकते, ये 3-4 प्रमुख जो मामले हैं और हमारी एक प्रमुख मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करे, इसको लेकर अभी कोई भी नहीं बोल रहा, ये भी हमारी डिमांड है। इसको लेकर ठोस बात हम दिल्ली की सरकार से चाहते हैं और कल इसमें रणनीति हम तय करेंगे। आर पार की लड़ाई अब राजस्थान का किसान और देश का किसान दिल्ली की सरकार के खिलाफ और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी राजस्थान के किसान नौजवान एकजुट है और हम किसानों के हित के अंदर हम सब लोग एक हैं। पार्टियों से ऊपर उठ के हमारे राजनीतिक कैरियर को दांव पे लगा के इनकी बिना परवाह के किसान के बैठे, किसान कौम पे संकट है, इसलिए हम दिल्ली कूच की तैयारी के अंदर कल कोटपुतली से इसका बड़ा आह्वान होगा। आप कल जाओगे? मैं ही जाऊँगा, तो सभा है कोटपुतली के अंदर पहले और उसके बाद सभा के बाद रणनीति तय होगी कि आगे किस तरीके से कैसे जाना हमारे को। सर क्या कारण रहा कि खींवसर आपका गढ़ है और वहीं पे रालोपा का प्रधान नहीं बन पाया? मेरा तो गढ़ पूरा राजस्थान ही होने वाला थोड़े दिनों में, आप चिंता अभी पूरे समय पे कई तरह की बात। खींवसर में बहुमत मेरा ही आया था, आरएलपी की 15 सीट आई, कांग्रेस 6-7 सीमट की, बीजेपी को पता ही नहीं था और जो व्यक्ति प्रधान बना कांग्रेस बीजेपी और 4 आरएलपी साथ मिलकर उन्होंने लड़ा और जो 15 वोट मेरे आरएलपी का आए तो उनमें से 12 वोट मुझे मिल गए, 3 वोट क्रॉस हो गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुंडवा खींवसर पंचायत पार्टी ने एक तरफा जीत हुई, नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती और जिले में 39 जगह जोरदार वोट लिया, परसेंटेज उनका निकालना वोटों का कि जहाँ मंडल नहीं भी लड़ रहे थे वहाँ भी जिला परिषद के अंदर 36 कौम ने हर वर्ग ने, मुसलमान भी लड़ा मेरे सिंबल पे, मेघवाल भी लड़ा, बावरी भी लड़ा, ब्राह्मण भी लड़ा, जाट भी लड़ा, राजपूत भी लड़ा, तमाम जातियाँ गुजर भी लड़े जीते, तमाम जातियों ने चुनाव लड़ा और तमाम जो 9 मेंबर है उनके अंदर भी आपको अलग अलग जातियों के मेंबर दिख रहे हैं। वोट परसेंटेज बहुत अच्छा रहा, आगे जो सांसद का चुनाव और विधानसभा का चुनाव होगा तो मुझे किसी को चिन्ह बताने की आवश्यकता नहीं, डाणी डाणी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहुंच गई, नामों में खाता खोला, मकरणा में 2, डेगाना के अंदर खोला, पर्वतसर के अंदर खोला, डीनवाणा में खोला, जैल में कांग्रेस आरएलपी का कंटेस्ट था,
मेड़ता में आरएलपी कांग्रेस नाम निशान प्रधान में लड़े, 5-6 जगहों पे टक्कर हमने ली और एक दो निर्दलीय भी जिले में जो बना प्रधान उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बड़ी भूमिका रही। जो बीटीपी वाला बता, देखिए बीटीपी ने कांग्रेस को समर्थन किया था अभी सरकार बनाने के लिए और कल जैसे ही बीटीपी चुनाव जीती वहाँ एक नंबर की पार्टी बनकर उभरी डूंगरपुर बांसवाड़ा का, तो कांग्रेस और भाजपा उसको हराने के लिए एक हो गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को खत्म करने के लिए भी कांग्रेस भाजपा एक कल खेमसर में हुई थी और नागौर में कई जगहों पर कई मंडल और जिला परिषदों चुनाव में, इसी तरह बाड़मेर के अंदर भी कई जगह वार्ड जो मैंने देखे तो एक तरफा जीत रहे थे, वहाँ बीजेपी के उम्मीदवारों ने कांग्रेस उम्मीदवारों को 7 वोट मांग लिए कि हमें नहीं दो तो आप ऐसा करो आरएलपी को मत दो कांग्रेस को डाल दो। मतलब खोप है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का खोप कांग्रेस और बीजेपी को सता रहा है। राजस्थान का जवान किसान जाग उठा है, ये अपना हक और अधिकार मांग रहा है और आरएलपी इनको राजस्थान में नई दिशा देगी और राजस्थान की सत्ता किसान के बेटों के हाथ के अंदर आएगी आने वाले समय। आने वाले नगरपालिका सो नगरपालिका सब लड़ेंगे, जो भी चुनाव होगा जहाँ भी टिकट लोग मांगेंगे उनको टिकट देंगे, हर जगह लड़ाई लड़ेंगे। अब तो लड़ाई का ऐलान हम कर ही चुके हैं, पंचायत चुनाव लड़ लिए कि शुरुआत थी, पहली बार राजस्थान के किसी क्षेत्रीय पार्टी ने शुरुआत करी बड़े स्तर पर और निश्चित रूप से वोट परसेंटेज आप निकाल कर देखोगे तो शायद आरएलपी को बहुत बड़ा वोट परसेंटेज बहुत बड़ा आशीर्वाद लोगों का मिला और 12 जिले जो सेकेंड चरण के अंदर है उनमें हम इनमें जो प्रमुख हमारे नहीं बन पाए वो कचर उन 12 जिलों में निकाल लेंगे और कई प्रधान और हमारे बनेंगे, 2 प्रधान हमारे स्पष्ट रूप से बने और 5-6 जगह हम सेकंड नंबर पर है। और क्यों सर कोई कांग्रेस भाजपा कोई नहीं जीती, वहाँ आरएलपी का बागी जो आरएलपी के नाम से झंडा लगा घूम रहा था वही व्यक्ति कांग्रेस बीजेपी से मिलकर एक जाने पर बैठ कर उसके अंदर चुनाव जीते, 3 वोट हमारे क्रॉस हुए। क्यों सर ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीति का कच्चा चिट्ठा।